नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम ब्रायोफाइटा के 12वें भाग में स्फैग्नम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका परिचय, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, उसके गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी कैसी होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। स्फैग्नम को पॉपुलरली बॉग मॉस, पीट मॉस या टर्फ नाम मॉस के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है जो पीट या बॉग बनाने में। इस स्फैग्नम को पूरी दुनिया में लगभग 336 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं, एंड दीज आर कॉस्मोपोलिटन, सर्वव्यापी होती हैं, सभी जगह पाई जाती हैं। इंडिया में मुख्य रूप से हिमालय से पाई जाती हैं और इसकी 20 स्पीशीज लगभग यहाँ पर रिपोर्ट की गई हैं। इसकी जो मुख्य स्पीशीज हैं वो है स्फैग्नम निमोरियम, स्फैग्नम स्पैरोसम, स्फैग्नम टेरेनम, स्फैग्नम मोलस्कम। कुछ स्पीशीज इसकी हाइड्रोफिटिक होने की वजह से सबमर्स्ड भी होती हैं, पानी में डूबी रहती हैं, जैसे कि स्फैग्नम ओबेसम एंड स्फैग्नम कप्सिडेटम। अब इसकी हैबिट एंड हैबिटेट, इसका आवास और इसका स्वभाव क्या होता है। ये एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक भी हो सकती हैं, एंड कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल टाइप की होती हैं जो कि स्वैम पॉन्ड में पाई जाती हैं, दलदली इलाके में भी पाई जाती हैं, एंड दे फॉर्म डेंस मॉसेस या कुशन बनाती हैं स्वैम्स में जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, पॉन्ड्स में, लेक की मार्जिन के ऊपर जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनके मार्जिन पे किनारे, एंड वेट हिल साइड्स में भी। दे ग्रो अलॉन्ग द बैंक ऑफ लेक्स, जो लेक्स होते हैं बड़े बड़े तालाब होते हैं उनके किनारे पे होती हैं, और धीरे धीरे एंक्रोच करते करते ये पूरे वाटर बॉडी को ढक देती हैं और इस तरह से ये पूरा बॉग बनाती हैं और इसी को बॉग कहते हैं, एंड दे कम्प्लीटली कवर अप द लेक और जो कि धीरे धीरे बॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसीलिए इस स्फैग्नम को बॉग मॉस भी कहा जाता है। ये एक डायग्राम है जो कि हैबिटेट, इसका हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट में इस तरह से दिखाई देते हैं। जितनी भी स्पीशीज होती हैं स्फैग्नम की, दे ऑल एक्युमुलेट वाटर, पानी को अब्सॉर्ब कर सकती हैं, ऑफन गो विद ब्राइट कलर्स, बहुत सारे ब्राइट कलर में भी दिखाई देती हैं जैसे कि डीप रेड, रोज पिंक एक्सेट्रा। और ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर सोल्युबल पिगमेंट, वाटर सोल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन प्रेजेंट होने की वजह से ये कलरफुल दिखाई देती है। ये पेरेनियल होती हैं, बहुवर्षीय होती हैं, जिसमें कि ग्रोथ कैसे होती है, दे शो अनलिमिटेड ग्रोथ, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, और जो ग्रोथ होती है वो सिंगल एपिकल सेल के द्वारा होती है, एक एपिकल सेल होती है जिसकी वजह से ग्रो करता है, और इस एपिकल सेल के 3 कटिंग फेसेस होते हैं जिसमें डिवीजन से ये प्लांट बॉडीज की साल दर साल बढ़ती रहती है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। दिस इज सिस्टमैटिक पोजीशन, डिवीजन इज बायोफाइटा, क्लास बायोपसाइडा, इसको मसाई भी कहते हैं, सब क्लास स्फैग्नेटी, ऑर्डर स्फैग्नेल्स, फैमिली स्फैग्नेसी एंड जीनस स्फैग्नम। फैमिली स्फैग्नेसी में एक ही जीनस जो है वो स्फैग्नम को रिपोर्ट की गई है। अब देखते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का एक्सटर्नल फीचर क्या होता है। प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट क्योंकि ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का यही लक्षण होता है, और ये दो स्टेज में इसकी प्लांट बॉडी हमें दिखाई देती है। पहली है जुवेनाइल प्रोटोनिमा स्टेज, जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो एक छोटा सा प्रोटोनिमा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज जुवेनाइल स्टेज। और दूसरी जो स्टेज है लीफी गैमेटोफोर स्टेज, जो कि पूरी एडल्ट मेच्योर फेज होती है। जो जुवेनाइल स्टेज होती है ये बनती है बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, जो स्पोर्स स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद बनते हैं उसके जर्मिनेशन से जुवेनाइल स्टेज बनती है। और ये होती कैसे, इट इज इरेगुलरली लोब्ड, इरेगुलर लोब्ड होती है थैलस, और जिसकी मोटाई लगभग 1 सेल थिक होती है, और ये सबस्टेशन से अटैच करती है क्योंकि इसमें मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स पाए जाते हैं, और इन राइजॉइड्स के अंदर ऑब्लिक सेप्टा पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे जुवेनाइल स्टेज, इसमें ये प्रोटोनिमा है, ये प्रोटोनिमा ऊपर की तरफ डिवाइड होकर मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स बनाती है, और बाद में जब ये प्लांट डेवलप होता है मल्टी सेलुलर होने के बाद ऊपर की तरफ जब डेवलप इरेक्ट बॉडी जब बनने लगती है तो ये लीफी गैमेटोफोर बनाती है, दिस इज मैच्योर स्टेज। तो इस चित्र में ये यहाँ पर जुवेनाइल स्टेज दिखाई गई है नीचे की तरफ, जिसमें लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, बाद में डेवलप होने के बाद ये लीफी गैमेटोफाइट बनाती है। इसको आगे देखिए, फ्रॉम द प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से ही अराइज होती है इरेक्ट लीफी गैमेटोफाइट, जिसको गैमेटोफोर भी कहते हैं।
जो वेरी यंग गैमेटोफाइट्स होते हैं उसमें मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स पाए जाते हैं जिसमें ऑब्लिक सेप्टा होती है, ये आपको पहले बता दिया अभी आपको। लेकिन जब मेच्योर गैमेटोफाइट बन जाने के बाद जब लीफी गैमेटोफाइट बन जाती है, गैमेटोफोर जिसको कहते हैं, तो इसमें राइजॉइड्स नहीं पाए जाते। वो क्यों नहीं पाए जाते उसका विवरण हम आगे देंगे। लीफ के कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसको राइजॉइड्स की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब मेच्योर गैमेटोफोर होता है इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इंटू अपराइट ब्रांच्ड एक्सिस जिसको स्टेम भी कहते हैं एंड सेकंड लीव्स। तो जो गैमेटोफाइट है एडल्ट गैमेटोफाइट है उसके दो भाग होते हैं, दो भाग से मिलकर बना होता है एक्सिस यानी कि स्टेम और लीफ। ये आप इसका चित्र में देख सकते हैं, दिस इज मेच्योर यानी कि एडल्ट गैमेटोफाइट। और इसके जो यहाँ पर कैप्सूल बना हुआ है, कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। दिस इज हेड ऑफ कैपिटुलम जिसको कोमा के नाम से जानते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। दीज आर लीव्स, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं पेंडेंट एंड डाइवर्जेंट, वो भी आपको आगे बताऊंगी। अब देखते हैं मेन एक्सिस या ब्रांचेस कैसी होती हैं। जो मेन एक्सिस होती है वो सॉफ्ट होती है, वीक होती है एट यंग स्टेज। यंग स्टेज में तो ये बहुत ही सॉफ्ट एंड वीक होती है, लेकिन बाद के स्टेजेस में इट बिकम्स इरेक्ट एंड स्टाउट। स्टाउट का मतलब है इस तरह की दिखाई देगी, शॉर्ट स्टाउट एंड इरेक्ट सीधी खड़ी होगी। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 12 इंच के बराबर होती है और इसका डायमीटर जो होता है 1.2 mm के लगभग बराबर हो सकता है। जो एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं उसमें एक्सिस बहुत लंबा होता है क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बाहर की तरफ आता है, सरफेस की तरफ आता है फोटोसिंथेटिक होने की वजह से। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है उसमें जो एक्सिस होता है वो शॉर्ट होता है। स्टाउट का मतलब शॉर्ट। एट द एपेक्स ऑफ द मेन स्टेम, मेन जो स्टेम है एक्सिस है उसके एपेक्स के पास, टिप के पास बहुत सारी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं लिमिटेड ग्रोथ वाली, वो क्राउड कर देती हैं वहां पर, घने बहुत ही घने डेंस फॉर्म में लगी हुई होती हैं और यहाँ पर एक गुच्छे की तरह दिखाई देती है जिसको हम कोमा के नाम से जानते हैं। तो कोमा कहा जाता है, दिस इज कोमा। यहाँ पर आप देखिए ढेर सारी ब्रांचेस यहाँ पर एक साथ हेड के पास लगी हुई है एपेक्स के रीजन में। एंड दिस इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज आर्किगोनियल ब्रांच एंड रेडियल ब्रांचेस, वो हम आगे भी आपको दिखाएंगे। जो कोमा होता है वो बनता क्यों है, क्योंकि जो मेन स्टेम है एक्सिस है उसके जो इंटरनोड्स हैं जहाँ पर लीव्स लगी हुई होती हैं दीज आर वेरी कंडेंस्ड, वो बहुत ही पास होती हैं, बहुत ही कंडेंस्ड होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं लीफ बियरिंग ब्रांचेस हैं वो बहुत ही पास होने की वजह से घनी दिखाई देती हैं। जैसे जैसे स्टेम की लंबाई बनती है बढ़ती है वैसे वैसे जो शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, छोटी ब्रांचेस जो होती हैं वो इलोंगेट होने लगती हैं, लंबी होती हैं और वो बिकम नॉर्मल ब्रांचेस, नॉर्मल दिखाई देती हैं। एक्सिस में जो ब्रांचिंग होती है बहुत ही प्रोफ्यूज होती है, बहुत ही घनी ब्रांचिंग होती है। सिंगल ब्रांच और इन टर्फ ऑफ 3 to 8 ब्रांचेस, ये प्रत्येक आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एवरी फोर्थ लीफ जो मेन एक्सिस है उसकी प्रत्येक चौथी लीफ के एक्सिल में से, एक्सिल समझते हैं आप, एक्सिल में से या तो सिंगल ब्रांच या फिर एक गुच्छा निकलता है 3 से 8 ब्रांच जिसमें होती है। यानी कि यहाँ पर अगर एक मेन, दिस इज मेन एक्सिस, इसमें दिस इज फर्स्ट लीफ, दिस इज सेकेंड लीफ, दिस इज थर्ड लीफ, दिस इज फोर्थ लीफ, दिस इज फिफ्थ लीफ। तो अगर एक ब्रांच यहां से निकली हुई है, दिस इज लेटरल ब्रांच, या तो ये सिंगल हो सकती है या फिर टर्फ ऑफ 3 to 8 ब्रांचेस, या तो अकेली निकलती है या फिर 3 से 8 ब्रांचेस का गुच्छा निकलता है यहाँ से। उसके बाद A1, 2, 3, 4 फिर अगली ब्रांच होगी वो फोर्थ लीफ के एक्सिल में से निकलती हुई दिखाई देगी। जो ब्रांचेस निकलती हैं वो दो तरह की होती हैं, पहली डाइवर्जेंट या एक्सकरेंट ब्रांचेस। इसका मतलब होता है जो ब्रांचेस होती हैं वो जो एक्सिल से निकलती हैं वो दे ग्रो लैटरली फ्रॉम द स्टेम एंड एक्सटेंड आउटवर्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो मेन एक्सिस से साइड वाइज दिखाई देती हैं। जो ब्रांचेस हैं उसमें से पहली है डाइवर्जेंट या एक्सकरेंट ब्रांचेस। ये ब्रांचेस वो होती हैं जो कि एक्सिल से जो ब्रांच निकलती है दीज आर लैटरली डाइवर्ट होती हैं और हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होती हैं साइड वाइज। दूसरा होता है पेंडेंट या फिर ड्रूपिंग या फिर फ्लैजेली फॉर्म्स ब्रांचेस, इनको डिकरेंट ब्रांचेस भी कहते हैं। ये जो ब्रांचेस होती हैं ये भी एक्सिल से निकलती हैं लैटरली, और लेकिन इनकी विशेषता ये होती है कि दे ड्रूप और हैंग,
ये नीचे की तरफ लटकती है, वेरी क्लोज टू द स्टेम, ये नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, दिखाई देती है यहाँ पर. दिस इज पेंडेंट ब्रांचेस, जिनको डिकरेंट भी कहते हैं, फ्लैजेली फॉर्मस भी कहते हैं. एंड दिस इज डाइवर्जेंट, यानी कि एक्सकरेंट ब्रांचेस. ये थोड़ी दूर तक तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देती है, उसके बाद ये हैंग करती है, जबकि जो पेंडेंट ब्रांचेज होती है वो सीधे नीचे की तरफ ओरिएंटेड होती है. जो दोनों ब्रांचेज होती हैं, दीज पेंडेंट और डिकरेंट ब्रांचेज जो होती हैं, पेंडेंट ब्रांचेज, दे एक्ट एज वाटर कंडक्टर्स. इनका मुख्य काम होता है वाटर कंडक्शन. जो सबमर्ज स्पीशीज होती हैं, जैसे कि कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ओबेसम एंड कैप्सिडेटम, इनके जो सारे ही ब्रांचेज होते हैं वो पेंडेंट ब्रांचेज टाइप के होते हैं. जो सबमर्ज स्पीशीज होती हैं, जैसे कि स्फैग्नम ओबेसम, जो सबमर्ज स्पीशीज होती हैं जैसे कि स्फैग्नम ओबेसम एंड स्फैग्नम कस्पिडेटम, उनमें सारी ब्रांचेस सिमिलर होती हैं, उसमें इस तरह के डाइवर्जन डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता. अब लीफ कैसी होती है? लीफ जो होती है बॉर्न ऑन द मेन स्टेम, और मेन स्टेम पे भी होती है और एज वेल एज ब्रांचेस पे भी होती है. जो स्टेम पे होती है वो थोड़ी दूर दूर अरेंज होती है. जो लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, दीज आर स्मॉल, और ओवरलैपिंग करने का मतलब है बहुत ही पास पास अरेंज होती है. लीफ का जो अरेंजमेंट होता है वो जो जिसको हम फिलोटैक्सी के नाम से भी जानते हैं, वो 2/5 होता है, यानी कि प्रत्येक दो सर्कल जो है वो 5 पत्तियां पूरी करती हैं, और जो छठी पत्ती होती है वो जो फर्स्ट पत्ती थी उसके ऊपर दिखाई देती है. तीसरी होगी जो पहली पत्ती होगी वो फर्स्ट रो की पहली पत्ती के ऊपर आएगी. जो पत्तियां होती हैं दीज आर वेरी थिन, बहुत ही पतली होती है, क्योंकि एक सेल मोटाई होती है इनके, सिर्फ सिंगल सेल मोटी होती है, छोटी होती है, फ्लैशी होती है, ऑबलॉन्ग होती है, विद अ ब्रॉड बेस इनका. लेकिन जो बेस होता है वो चौड़ा होता है. मार्जिन इंटायर, मार्जिन बिल्कुल सीधा होता है. एंड एपेक्स इज एक्यूट, नुकीला होता है. मिडरिब इनमें प्रेजेंट नहीं होता. अगर हम सरफेस व्यू में देखते हैं तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं. एक जाली नुमा संरचना दिखाई देती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. दिस इज एपेक्स इज एक्यूट, कोई मिडरिब प्रेजेंट नहीं है, ऑबलॉन्ग है. एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड इज हाइलाइन. इनको हम आगे बताएंगे भी आपको. दो तरह की सेल आपको बता दी है, उसमें से जो स्मॉल लिविंग सेल होती है दीज आर फोटोसिंथेटिक, या फिर इसको एसिमिलेटरी सेल्स भी कहते हैं. वजह ये कि दे कंटेन क्लोरोफिल, और इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस में सहायक होती है. जो दूसरी सेल होती है दीज आर कलरलेस, इसको हाइलाइन रोम्बॉइडल सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि आकार इनका रोम्बॉइडल होता है. जो क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं फोटोसिंथेटिक, दीज आर ट्राइंगुलर इन शेप या फिर बाइकॉन्वेक्स इन शेप, और इसमें बहुत सारे डिस्क्राइड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स जो कलर्स में ग्रीन दिखाई देती हैं. जो हाइलाइन सेल होती हैं, दूसरी तरह की जो सेल होती है, दीज आर कलरलेस, और ये लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं. और कलरलेस क्यों हो जाती हैं? बिकॉज ऑफ दे लूज देयर प्रोटोप्लास्ट, उनका प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है, इस वजह से ये कलरलेस हो जाती हैं. जो हाइलाइन सेल्स होती हैं इनके वॉल में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी वॉल की जो थिकनिंग होती है वो स्पाइरल होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर कलरलेस हाइलाइन सेल्स, दीज आर हाइलाइन सेल्स, और इस हाइलाइन सेल के ऊपर जो लाइनें दिखा रही हैं दीज आर स्पाइरल थिकनिंग्स ऑफ द वॉल, और बीच बीच में यहाँ पर पोर्स दिखाई देते हैं, गोल गोल सर्कुलर पोर्स प्रेजेंट है. यहाँ पर लेबल देख सकते हैं आप. जो हाइलाइन सेल का कार्य क्या है? हाइलाइन सेल है रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और वाटर रिटेन कर सकते रख सकती हैं, इसलिए इसको कैपिलरी सेल्स भी कहते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले स्टेम या एक्सिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टेम में तीन डिस्टिंक्ट लेयर पाए जाते हैं. फर्स्ट इज कॉर्टेक्स, या फिर इसको हाइलोडर्मिस भी कहते हैं, क्योंकि कलरलेस होता है. दिस इज द आउटर मोस्ट रीजन, बाहर सबसे बाहर का रीजन होता है. सेल्स छोटे होते हैं और वेरी कॉम्पैक्ट होते हैं. इन यंग एक्सिस, जो यंग एक्सिस होते हैं, एंड इन लेटरल ब्रांचेस, और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं और जो यंग एक्सिस होते हैं, कॉर्टेक्स इज ओनली वन सेल थिक, उसमें ये सिर्फ एक सेल की मोटाई का होता है. लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें कि सिंगल लेयर होती है थ्रू ऑफ द लाइफ. ये मेच्योर स्टेम में भी सिंगल सेल ही रह जाती है, सिंगल लेयर ही रह जाती है. जबकि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें कि कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसमें कॉर्टेक्स जो है मल्टी लेयर्ड होता है, कई सेल मोटा होता है.
कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टू थ्री लेयर्स ऑफ हाइलाइन सेल्स, जिसमें दो या तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स हाइलाइन होती है, कलरलेस होती है, कलर से प्रेजेंट नहीं होता। उनके ये स्पीशीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। दीज आर हाइलाइन सेल्स कॉर्टेक्स, ये सिंगल लेयर किसी किसी होते हैं, यहाँ पर ये थ्री लेयर दिखाई दे रही है, तीन लेयर की, तीन सेल की मोटाई के। एंड दिस इज एक्सियल सिलेंडर, बीच में प्रेजेंट है एक्सियल सिलेंडर, इनको मैं अभी बताऊंगी आगे की स्लाइड में। एंड दिस इज फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइलाइन सेल, हाइलाइन सेल किस तरह का है, उसके आधार पर जो स्फेरनम होती है वो दो सब जनरा में डिवाइड की जाती है। किस आधार पर? नेचर ऑफ द हाइलाइन सेल, हाइलाइन सेल किस तरह का है। जैसे कि इन सब जनरा स्फेरनम या फिर आइनोफ्लोई में जो कॉर्टिकल हाइलाइन सेल्स हैं वो फाइब्रस होते हैं एंड पोरस होते हैं, जबकि दूसरी जो सब जनरा है लिथोफ्लोई में दे आर विदाउट पोर्स, पोर्स प्रेजेंट नहीं होते या फिर स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होते हैं। इनका कार्य क्या है? द मैच्योर कॉर्टिकल सेल इज डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसलिए इसका कोई लिविंग रोल नहीं है ऐसा कोई, ये ज्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करते हैं। कुछ स्पीशीज आती हुई है, इन सब स्पीशीज जैसे कि टेनेलम एंड मोलस्कम, कुछ आउटर कॉर्टिकल सेल जो होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं और उनका शेप बिल्कुल अलग विशेष रूप से दिखाई देते हैं, बिकम बॉटल शेप, बॉटल जैसी या फिर रिटॉर्ट शेप हो जाती है और इनको रिटॉर्ट सेल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, दीज आर रिटॉर्ट, दीज सेल्स आर रिटॉर्ट सेल्स, ये बाहर से अलग से दिखाई देती है, दीज आर नॉर्मल सेल्स, ये कुछ कुछ सुराही नुमा दिखाई देती है। और अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो उनका ये चौड़ा दिखाई देता है ब्लैडर की तरह, इनको रिटॉर्ट सेल्स कहते हैं। दीज टू एग्जाम्पल्स आर आइनोफ्लोई एंड दिस इज लिथोफ्लोई। जो मिडिल लेयर है उसको हाइड्रोम कहते हैं, मिडिल हाइड्रोम लेयर, एंड दिस इज पोसेनकाइमेटस, ये पोसेनकाइमा की बनी होती है, ये चार से छह लेयर मोटी होती है और इसका भी कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इसकी वॉल लेयर्स काफी मोटी दिखाई देती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पोसेनकाइमेटस रीजन, ये बीच के डार्क कलर जो सेल्स हैं, दिस इज पोसेनकाइमेटस लेयर। जो थर्ड सेल है, थर्ड लेयर है, दैट इज सेंट्रल सिलेंडर या फिर मेड्यूला, दीज आर जो सेल्स होती हैं सेंटर की, दीज आर स्मॉल वर्टिकली इलांगेटेड एंड थिन वॉल्ड एंड पेरेन्काइमेटस। इसका कार्य क्या है? स्टोरेज करना, दे फंक्शन एज स्टोरेज रीजन। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दिस इज पोसेनकाइमेटस रीजन, दिस इज मिडिल लेयर, इसको मिडिल हाइड्रोम कहते हैं, ये डार्क कलर सेल्स थिक वॉल्ड, एंड सेंट्रल जो है एक्सियल सिलेंडर जो कि स्टोरेज का कार्य करती है, दीज आर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस लेयर। अब लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ज्यादातर चीजें क्योंकि एक सेल की मोटाई का होता है इसलिए सरफेस में देखने से ही हमें सेल दिखाई दे जाते हैं कि दो तरह के सेल्स कौन कौन से हैं। इट इज वन सेल इन थिकनेस, जो यंग लीफ होती है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेल के सेल से बनी होती है जिसमें सारी सेल एक जैसी दिखाई देती हैं यंग सेल में, लेकिन जो मेच्योर लीव्स हो जाती हैं उनमें दो तरह के सेल्स आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट अरेंजमेंट में, रेटिकुलेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। उसमें से पहली है हाइलाइन सेल्स, दीज आर कलरलेस हाइलाइन सेल्स, ट्रांसफर सेक्शन में दीज आर हाइलाइन सेल्स, इन्हीं को पहले बताया था आगे कि इनकी जो स्पाइरल वॉल थिकनिंग जो है वो स्पाइरल होती है और इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका कार्य है एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से इसको कैपिलरी सेल भी बोलते हैं। एंड दूसरी स्मॉल साइज्ड ट्रायंगुलर या बाइकॉन्वेक्स क्लोरोफिल सेल्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और इनका कार्य है फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज फोटोसिंथेटिक सेल्स ट्रायंगुलर या बाइकॉन्वेक्स। धन्यवाद, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम ब्रायोफाइटा के थर्ड 13 लेक्चर में स्फेरनम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।